मास्टर साहब बिरहा के अंदर चार लाइन भूमिका का भाव बा। ए दुनिया में जाति पाति के भेदभाव होत बा, ई बात तो लोगन के समझ में कुछ आवत बा। रुपया पैसा अमीरी गरीबी के भेदभाव होत बा, इहो लोगन के समझ में कुछ आवत बा। लेकिन मन के भेद जब हो जाए तो वो कोई के समझाए से समझ में आवे वाला नहीं बा। बिरहा का प्रस्तुति आल्हा खंड से रही आल्हा खंड का अंतिम लड़ाई। बिरहा के अंदर चार लाइन भूमिका का भाव है। मन भेद गरीब बाप बेटा में न होता, तो हर के हाथ हिरणा कश्यप मारा न जाता। मन भेद विभीषण लंकेश में न होता, तो शायद रावण रण में संहार न जाता। मन भेद कुरपति धर्म में न होता, तो कौरव की बगिया उजारा न जाता। मन भेद उदल ब्रह्मानंद में न होता, तो बेलवा के जीवन का सहारा न जाता। मास्टर साहब बिरहा में एक लाइन कव्वाली का अंदाज बा, कहना है इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर से सताए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं। लेकिन बिरहा के अंदर कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी, मर कर भी अमर नाम जिनका, मर कर भी अमर नाम जिनका, उनकी जग में अमिट है निशानी। मर कर भी अमर नाम जिनका, उनकी जग में अमिट है निशानी। मर कर भी अमर नाम जिनका।
सोहरत सजा गहना उनका, शान सोहरत सजा गहना उनका, वीर गाथा लिखी जो कहानी, जग में अमिट है कहानी, शान सोहरत सजा गहना उनका, वीर गाथा लिखी है निशानी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी का शुरुआती हमें सेवा कहना है बाबूजी। है काल दशा जन जन में सबको है नाच नचाता, है काल दशा जन जन में सबको है नाच नचाता, मन भेद वही से जन्मा व सृष्टि नियम कहलाता, बिलवा के गवन की पाती उदल मन भेद कराया, बिलवा के गवन की पाती उदल मन भेद कराया, परमानंद की कचहरी अपमानित कर भगवाया, नारी का रूप धर चौड़ा ताहर भी रण में आया, नारी का रूप धर चौड़ा ताहर भी रण में आया, के धराशाई ब्रह्मा को धोखे से वार चलाया, चहरी लगी थी। जरा बात के आप लोग समझ ले, परमानंद की कचहरी लगी थी और आल्हा उदल देवा तिवारी सैयद तमाम वीरों का जमघट लगा हुआ था, तो आल्हा उदल तो बैठे थे बाबूजी, उनके साथ में देश देश के राजा महाराजा वीर इकट्ठा हुए थे, स्वागत सत्कार तो खूब बढ़िया भा और जोड़ा बीरा पान रखा गया, डबल जोड़ा बीरा पान रखा गया बाबूजी। अब परमानंद कहे सुन, इ पान जे खाए उहे बेलवा का गवन ले आए, भैया इ पान जे खाए उहे बेलवा का गवन ले आए, और बेला थी कवन, वीर ब्रह्मानंद की पत्नी, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की बिटिया। तो पहले के जमाना में एक बियाह हो तो हजार हजार ठी मेहरारू राण हो जाए बाबूजी, काहे बरे कि एक बियाह हो तो वो लोहा के दम पे हो, तलवार के दम पे हो, लड़ाई हो तो हमें दोषी भी मारा जाए और निर्दोषी भी मारा जाए, तो ये बात का डर बा कि बियाह तो हो गए लेकिन गवन के लिए आए, तो अच्छा स्वागत सत्कार तो हो गया, सब लोग एक दूसरे के मुहे के तरफ ताकत है इनकी, पनवा के खाई, उदल पहुंचे बाबूजी और जोड़ा बीरा पान उठा लिए, और जब पान उठा लिए तो कभी को संकेत करना पड़ा, तब तक माहिल अपना चाल चल दिया, माहिल को तो प्रतिज्ञा थी मन में कि मैं मोहबे को नाश करवा दूंगा, और उदल जय ही तो पृथ्वीराज चौहान को सोढ़िया उपार दे ही तो बेलवा का गवनवा लेके चला ही तो हमार मन को मनसा पूरा ना होई। वही बाबूजी उदल को अपमानित करके कचहरी से भगवा दिया, परमानंद ने उदल को भगा दिया, अपमानित कर दिया, और ब्रह्मानंद सेना सजा करके डोला लेने पहुंचे, और ब्रह्मानंद जब डोला लेने पहुंचे तो बाबूजी पृथ्वीराज चौहान चौड़ा को नारी का रूप धर करके गहना सजा करके साड़ी पहना करके डोली में भेज दिया। ब्रह्मानंद ने सोचा कि मेरी पत्नी आ रही है, जैसे ही डोली का ओहार उठाए बाबूजी चौड़ा भीतर से पेट में तलवार से वार कर दिया, और बेलवा का भाई ताहर ब्रह्मानंद के सिर पे वार कर दिया, तो बेला रो रो करके पाती भेजती है मोहबे नगर में। उदल जब सुनते हैं तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, आंगने में फूले फूले गेनवाए ननदी, अब बाजली बधाइया
खेमा बाबू जी है, उनके सेना की खेमा है, उस जगह पर उनका इलाज चल रहा है। अहर बेलवा अपने पति के घायल होने की खबर जब महोबे में भेजवाती है तो पाती जब बाची जाने लगी तो उदल ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे परमानंद की भरी कचहरी से मुझे अपमानित करके भगवा दिया गया, मैं नहीं जाऊंगा। आल्हा समझा रहे हैं कि मेरे भाई उदल, हम लोगों की गरीबी वहीं पर कटी है, हम लोगों का बचपन वहीं पर बीता है, भाई की जिंदगी खतरे में है, उनके घर का हमने नमक खाया है, इसलिए बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है दोनों भाई चल दिए भेष बदल करके। अरे रूपवा बदली चली भय दुनहू जवनवा, हीर सिंह बीर सिंह नमावा धारा, जरत बतनवा, रुदन सुन के भाभी के जरत बतनवा, अरे हीर सिंह बीर सिंह नमावा धारा। दोनों भाई भेष बदल करके चल दिए, सिपाही का भेष धारण कर लिए और राजसी पोशाक उतार करके सिपाही का भेष धारण कर लिए और दिल्ली में जा करके पहुंचे। और जब दिल्ली में जा करके पहुंचे तो पृथ्वीराज के एक सिपाही ने जा करके राजा पृथ्वीराज को खबर भेजी कि दो वीर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, नाम का बा हीर सिंह और वीर सिंह। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, उन्हें दरबार में बुलाइए। राजा साहब के सामने जा करके नतमस्तक हुए, सुना है आपके यहाँ सिपाही की भर्ती हो रही है, इसलिए हम दोनों भाई आए हैं और हमारे साथ में लाखों सेना है, आपको यकीन न हो तो आप अपने किसी विश्वासी व्यक्ति को भेज करके जमुना नदी के किनारे हमारे वीर सिपाही सब खड़े हैं, आपकी ओर से लड़ने के लिए आए हैं। जब इतना बतिया सुने बाबूजी तो कहा ठीक है, आप लोग हमारी सेना में भर्ती हो जाइए, सीधी भर्ती, आप लोग हमारी सेना में भर्ती हो जाइए, मैं विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन मजदूरी वजदूरी का लेब, सैलरी का होई, तो आप लोग का मजदूरी का होई। तो हीर सिंह और वीर सिंह कहते हैं कि मैं एक बहादुर हूँ, आज मैं आपके संकट में आपके साथ हूँ, अगर कभी मेरे ऊपर मुसीबत पड़े तो आप भी मेरे साथ रहना, यही हमारी मजदूरी है। जब इतना बतिया सुने पृथ्वीराज चौहान तो हीर सिंह और वीर सिंह के बातों से बहुत प्रभावित हुए और उनसे कहा कि आप की नौकरी मैं पक्की कर दे रहा हूँ, आपकी सेना हमारे साथ में लड़ेगी,
लेकिन आप दोनों की ड्यूटी लगेगी कहाँ? जहाँ पर मेरी बेटी का कमरा है, मेरी बेटी का घर है, जिस महल में मेरी बेटी रहती है वहां पर ड्यूटी लगेगी। तो जौने कमरा में, जौने घरे में बेला रानी है बाबूजी, वही मुहारी के उनकर दोनों जने की ड्यूटी लग गई। तो रतिया में दोनों भाई पासा खेलत है कि बेला का गवन जाए कि न जाए। हाँ, पासा खेलत हैं, पासा में नंबर आएगा कि भैया बेला के गवन जाए, बेला के गवन जाए। और दोनों भाई जब बेला बेला कहत हैं, तब बेलवा रानी भीतरी से सुना तक कहत हम जे नया नौकर आई हैं का। इन नया नौकर आई हैं, इन्हन के नई नई नौकरी लगी, हमार नाम लेके पुकारत हैं। तो एक नौकरानी के बेलवा रानी भेजेस कहे जाए के पूछी अवतौ। और जब नौकरानी गई बाबूजी, तो कहा ये बताओ बेला रानी भेजे हैं तू पूछे नाम लेके हमारे रानी के कहे बोलावत है? वो यहाँ महल के राजकुमारी हैं, उनके खातिर कितना वीर धाराशाही हो गए और तू लोग नाम लेके पुकारत है? तो उदल धीरे से कहे नौकरानी से जाए कि कह दे तुहार देवर आई है, कहे जाए कि कह दे तुहार देवर आई है, हम मतलब तोहरे पति के सबसे छोटका भाई है, तो आज देवर है। जब इतना बतिया सुना तब बाबूजी नौकरानी जाए के बेला रानी से बताए, तब बेला रानी कहे हम कैसे मानी। नौकरानी फिर आए के कहे वो कहत है हम कैसे मानी देवर है। कहे जाए के कह दे भावर घूमत रहो एक किहुनी लगा रहा याद बा। तब बेला समझ गए कहा ओ ये तो आल्हा उदल है, कहा ये आल्हा उदल है। वही बाबूजी घर के भीतर बुलाती है, और जब घर के भीतर बुलाती है तो अपने देवर को देख करके आग बबूला हो जाती है और कहते क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज है बाबूजी। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल की, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। वो एक दिन तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल, घुंघरू पायल, घुंघरू पायल की, किसी दिन ले लेंगे ये जान घुंघरू पायल की, किसी दिन ले लेंगे ये जान घुंघरू पायल के, दिन ले लेंगे ये जान घुंघरू पायल के। जाकर के कहते हैं कि भाभी प्रणाम, और जब चरण छूकर के प्रणाम कहते हैं तो दो कदम पीछे हट जाती है और फटकारती है। क्या कहती है? हे डगमग तोहरा भइल ईमान हमारी जवानी पर, डगमग तोहरा भइल ईमान हमारी जवानी पर, डगमग तोहरा भइल ईमान हमारी जवानी पर, हे डगमग तोहरा भइल ईमान हमारी जवानी, हमारी जवानी, हमारी जवानी पर, और नाहक बनते हो नौजवान हमारी जवानी पर, भी नाराज मत होइए। तब बेला फटकारती है और कहती है भेजी अकेला समर बीच में पिउ को दिया जुझाई, भेजी अकेला समर पिउ को दिया जुझाई, पिउ को दिया जुझाई, अरे भैया का ना साथ दिया तू, डोला जाए महबे फरमान हमारी जवानी पर, डोला जाए महबे फरमान हमारी जवानी पर, डोला जाए महबे फरमान हमारी जवानी पर। अरे तुम लोग कायर हो, तुम लोगों के नियत में खोट है। भाभी ऐसा कटुक वचन मत बोलिए,
हम लोगों की कोई मजबूरी थी। हमारे भैया के सामने हमारा अपमान किया गया। भरे दरबार में मेरे हाथ से पान का बीड़ा छीन लिया गया। अपमानित करके मुझे कचहरी से, भरी कचहरी से भगवा दिया गया। हम लोगों के साथ में बहुत गहरी चाल चली गई है भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। बेला कहती है कि सुनो, भेज अकेला समर में प्यू को रण में दिया जुझाई। अरे उदल, भैया का न साथ दिया तू कहते हो भौजाई। डोला जाई महोबे फरमान हमारी जवानी पे, अगर हमार डोला महोबे न जाई तो हम तू लोगन के भी बक्सब न। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। दोनों भाई सौगंध लेते हैं और कहते क्या है, अरे राम भौजाई के न जाए पनिया, बाबू भौजाई के न जाए पनिया, और लाखन दिल्ली से तब डोला चले लिया। लाखन उदल दिल्ली से डोला चले लिया, भौजाई के न जाए पनिया, भौजाई के मर्यादा जाए के न चाही। का ठीक बात, हम लोगों को आप ताना मत मारिए, हमने गलती किया, हम इसका हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन तैयार हो जा, देर मत लगावा, तैयार हो जा, तोरे पति से भेंट हम कराई। जब इतना बात सुनती है तब बेला रोने लगती है और रो रो करके कहती क्या है बाबूजी, कह रही है, पहला मच्छ मछली जन्म, दूजा नाग नागिन सनम, फूटा हमारो करम दिलदार न मिला, तीजे चकई चको रटत रटत भयल भोर, हिरनी हिरन चित चोर, चौथे प्यार न मिला, हंस हंसनी के जोड़ा पियवा हमारा साथ छोड़ा, द्रौपदी अर्जुनी घोड़ा भरतार न मिला, सतय भैली बेला रानी ब्रह्मा के दिल की नूरानी, सतय भैली बेला रानी ब्रह्मा के दिल की रूरानी, विधना ऐसन गजब ढहानी संसार। देवर जी सुनो, पहला मच्छ मछरी जन्म, दूजा नाग नागिन सनम, फूटा हमारो करम दिलदार न मिला, तीजे चकई चकोर रटत रटत भयल भोर, हिरनी हिरन चित चोर, चौथे प्यार न मिला, पचय हंस हंसनी जोड़ा पियवा हमारा साथ छोड़ा, द्रौपदी अर्जुन निगोड़ा छठे भरतार न मिला, असतय भैली बेला रानी ब्रह्मा के दिल की नूरानी, अभिधना ऐसन गजम ढहानी सुखी संसार न मिला। ए देवर जी, तोसे हमार हाथ जोड़ के निवेदन बा कि अगर हमरे ऊपर कोनो उपकार करे चाहत हुआ तो इतने उपकार कई दे कि हमारे पति के दर्शन हमके कराई दे। ठीक है, फिर से बोलो। बेला पहुंची रंग महल, यगमा से शीस नवाई, और अशोक त्याग दान नंदो रानी, और ताहर का बोली लुगाई, हो भौजाई के न जाए पनिया, और दूजा ब्याह रचाओ मौज के हो हर साई, भौजाई के न जाए पनिया। बेलवा सोचत बा कि अब तो अपने पति के दीदार करे हम जाते हैं,
त नैहर से विदा होत है, अब दोबारा यह महल में हम आऊब की न आऊब, जाए के कम से कम अपने भौजाई अपने महतारी से आशीर्वाद ले ली। और बाबूजी माँ तो आशीर्वाद दे देती है, लेकिन बेला का भाई का नाम ताहर, ताहर के दुल्हन के लगे जब जात हैं भौजी से आशीर्वाद लेवे बदे, तो भौजैया कहता दूजा ब्याह रचाऊब मौज किहू हरसाई। अब वो मरई के किनारे पहुंचा है, वहां कहाँ जाता हूँ, दूसर बियाह तोहार कराई दे भाई, अब मौज की हो जीवन में हंसी खुशी से रहू, अब वहां का करे जात हूं, वहां मत जा, हम जाए के तोहरे भैया तोहरे बाप से बताई दे। और जब इतनी बात कह करके बाबूजी भौजाई उठी है, तब बेला ललकार के कहती है, जल के बेला अंगार हुई, जल के बेला अंगार हुई, सबको विधवा बनवाऊंगी, मेरे पति के रहते हुए मेरा दूसरा ब्याह करना चाहती है, अरे मैं अपने पति के पास पहुंचूं इससे पहले मैं विधवा हो जाऊं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि अगर मैं विधवा हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं अपने पति के चरण दबाने के लिए नहीं पहुंची, अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं पहुंची, तो मेरा श्राप है, मेरा श्राप है कि जिस वियोग में मैं जल रही हूं आज, उसी वियोग में तुम सब भी जलोगी, उसी वियोग में तुम सब भी जलोगी, और एक दिन हमसे भी ज्यादा बदतर दशा तुम लोगों की होगी। दिल्ली में उस समय कोई वीर नहीं पैदा होगा जो तुम लोगों की मर्यादा बचा सके, कभी को संकेत करना पड़ा। इतना बात सुन करके बाबूजी अपने भाभी के पास से चली है और अपने देवर उदल से कहती है, तो उदल से कहती है, तो उदल चुपके चुपके बाबूजी लाखन डेबा धनुआ तेली सैयद को बुलाते हैं, इसीलिए बाबू राम कैलाश जी गाए हैं बेला के गौना में पुरन के तरीके से कि उदल डेबा सैयद रहले धनुआ तेली हो पति के संग न खेली रनिया। सुने वाले बाबूजी, लाखन से उदल कहते हैं कि भैया आप भाभी का डोला उठाओ और लेकर के चलो, मैं तलवार लेकर के आगे आगे चलता हूँ। बिरहा में एक लाइन तर्ज है बाबूजी, लागल बाला बू का दगिया
रहे हैं और बेला की डोली लेकर के बाबूजी लाखन डेबा चल रहे हैं। और जब चल रहे हैं तो धीरे धीरे ना जाने कितने बीरन के मार के खैकार कर देना। और डोली लेकर के जब खेमा में पहुंचे जहां पर मरहम पट्टी दवा ब्रह्मानंद को किया जा रहा है, तो जब अपने पति के पास पहुंचती है तो बेला जा करके अपने पति का चरण दबाती है। और जब चरण दबाती है बाबूजी तो किसी स्त्री का स्पर्श हुआ तो ब्रह्मानंद जब आंख खोले बाबूजी तो धीरे से बोलते हैं कि कौन, घाव ज्यादा है, अब बोलने की हिम्मत नहीं है। पूछ रहे हैं कि कौन, बेला कहती है कि स्वामी मैं आपकी अभागिन पत्नी बेला हूं, मैं आपका दर्शन करने के लिए आई हूं, मेरी उम्र भी आपको लग जाए और आप स्वस्थ हो जाए। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं ब्रह्मानंद हैं तो घायल, लेकिन अपनी पत्नी को पांव से धक्का दे दिए। और जब धक्का दे दिए बाबूजी तो बेला रो रो करके कहती है कि मेरी क्या गलती है, अरे जिसका भाई जिसका पिता इतना बड़ा कायर हो, चौड़ा नारी का रूप धर के आया और तेरा भाई मेरे पीठ पर वार किया, मेरे सर पर वार किया और नारी का रूप लेकर के मेरी ये दशा की गई है, मैं उस घर की बहन को बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। बेला कहती है कि स्वामी वो तो मेरे भाई और पिता कायर है जो ऐसा किया, पर इसमें मेरा क्या दोष, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करेंगे? बेला अगर तू चाहती है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं तो जा, जिस प्रकार से तेरा भाई धोखे से मेरे ऊपर वार किया तू अपने भाई का सर काट करके ले आ। जब इतना बात सुनती है बेला, ठीक है स्वामी मैं अपने भाई का सर काट के आपके कदमों में रख दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, महोबे जाप आपकी माता का चरण स्पर्श करूंगी, उनसे आशीर्वाद लूंगी, तब मैं अपने भाई का गर्दन काटूंगी। इतना बात जब सुनते हैं बाबूजी ब्रह्मानंद तो उदल को बुलवा करके संदेशा कहते हैं, तो उदल और आल्हा फिर से सैयद डेबा और धनुआ को एक और वीर को सहेजते हैं कि अपनी भाभी को लेकर के जाइए और महतारी मलहना का आशीर्वाद इनके मिले के चाही, देवला का आशीर्वाद इनके मिले के चाही। मोहबे में पहुंची है बाबूजी और मलहना और देवला दोनों महतारिन का आशीर्वाद लेकर के बेला चली है। अपने पति का पोशाक जो लड़ाई का पोशाक है उसे पहनती है, सर पर पगड़ी बांधती है, ढाल और तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होती है, ढाल तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होती है, पहुंचती है रण खेतों में। और जब उधर पृथ्वीराज के तरफ के सिपाही देखते हैं तो पृथ्वीराज के कहते हैं कि अरे यार एक बहादुर घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है और अकेला आ रहा है, जरा कोई उसके पास जाओ उसका परिचय तो पूछो। और जब बेला नजदीक पहुंची तो जितना ताहर के दल वाले सब रहन कहा अरे यार ये वीर तो बड़ा शौखीन बा, ये वीर बड़ा शौखीन बा, एकर मुहावा एकदम मेहरारू की नहीं लागत बा, अतनी हथवा पर गौर किए तो कंगन चमक रहा है। और जब कंगन चमक रहा है गौर से देखे तो ताहर कहते हैं बहन तुम, जितना ताहर के दल के सिपाही रहन कहे सरवा तोर बहिनियों आई गई रण में, अरे तो लोगन के तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए, बहनोई के ऊपर वार किया, जिस बहन के लिए तुम लोगों ने लड़ाई किया वो बहन आज तुम्हारे सामने दुश्मन बनकर के ढाल तलवार लेकर के खड़ी है। सभी वीरों की गर्दनें झुक गई बाबूजी और सभी की तलवारें झुक गई, शर्मसार से एकदम पानी पानी हो गए। और जब बाबूजी लज्जा से सर सबका झुक गया तो वही ललकारती है बेला और ताहर को बाबूजी ताहर के ऊपर वार कर देती है तलवार से और गर्दन को काट करके बाल पकड़ करके उठा लेती है और चलती है।
और जब चलती है तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है पापड़ की लाइन में मास्टर साहब। अरे पुत्र मरण सुन भैले लाला नया नावा पृथ्वी राजा के, अरे पुत्र मरण सुन भैले लाला नया नावा पृथ्वी राजा के, अब क्रोध की ज्वाला कांपे जमी गगनवा पृथ्वी राजा के। बाबूजी जब बेला अपने भाई की गर्दन काट करके और बाल पकड़ करके बाबूजी गर्दन से कटे हुए सर से खून टपक रहा है, लेकर के पहुंचती है बाबूजी जमुना नदी के किनारे पर, जहां पर ब्रह्मानंद का खेमा लगा हुआ है, बेहोश पड़े हैं बाबूजी, जहां पर तमाम वीर बेला के आने इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। और जब बेला पहुंचती है बाबूजी तो अपने घायल पति के पास में ओ खून से लथपथ ओ सर को बाबूजी अपने भाई के सर को अपने पति के चरणों में रख देती है, पति के चरणों में रख देती है कि स्वामी आपने जो कहा मैंने कर दिया, मेरा भाई धोखे से आपके ऊपर वार चलाया, लेकिन मैंने एक बहन को इस दुनिया में जो नहीं करना चाहिए अपने सुहाग के कारण आज अपने भाई की गर्दन को मैंने काट दिया, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपनी पत्नी अर्धांगिनी के रूप में दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं ब्रह्मानंद तो बेला से कहते हैं कि बेला तुम बहादुर हो, तुम बहादुर हो और आज तूने मेरे अपमान का बदला लिया और सचमुच में तुम मेरी पत्नी हो, तुम एक वीरांगना हो, मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करता हूँ, तुम्हारे भाई और पिता के गलतियों को माफ करता हूँ और तू चाहे अब अपने मायके रह चाहे अपने ससुराल में रह, तोरे लिए अपने मायके का दरवाजा भी खुला बा अपने ससुराल का दरवाजा भी। तब बेला धिक्कारती है कि आपको लज्जा नहीं आती है, अरे जिस भाई की गर्दन को मैंने अपने हाथों से काट दिया मैं उस घर में जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे क्षमा करेगी, मेरी भाभी मुझे क्षमा करेगी, मेरा पिता मुझे क्षमा करेगा। बेला बाबूजी धिक्कारती है और अपने पति के चरणों में गिर जाती है कि नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मायके का दरवाजा मेरे लिए सदा सदा के लिए बंद हो गया है। और इतना कहते कहते बाबूजी ब्रह्मानंद की आंखें बंद हो गई और सदा सदा के लिए इस दुनिया से चल बसे। और जब ब्रह्मानंद की मृत्यु हो गई बाबूजी तो बेला विधवा हो गई, रो रो करके कहने लगी कि अब मेरा जीना इस दुनिया में गवारा नहीं है, मैं ससुराल में जाऊंगी तो ससुराल के लोग भी मुझे ताना मारेंगे, मुझे मेरे भाई की हत्यारन कहेंगे, और मायके में जाऊंगी तो महल में चीख चित्कार से चारों तरफ इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है कि लोग मुझे जीने नहीं देंगे, तो ना मैं मायके जाऊंगी ना मैं ससुराल जाऊंगी, अपने पति के साथ चिता पर सती हो जाऊंगी। जब इतनी बात बाबूजी कहती है तो सारे वीर जुट करके जितने भी वीर थे, वो चाहे आल्हा हो चाहे उदल हो चाहे लाखन हो चाहे डेबा हो चाहे सैयद हो, सबके सब वीर सब जितने भी महोबे के जवान थे, जितने भी परमानंद की ओर से आए थे लड़ने के लिए,
चिता सजाते हैं और बेला अपने पति को लेकर के बाबूजी चिता पर बैठती है और इधर पृथ्वीराज चौहान अपने बेटे की मौत को सुन करके बाबूजी बौखला जाते हैं। क्रोध में उनकी शरीर ज्वाला की तरह जलने लगी और जब ज्वाला की तरह जलने लगी तो हाथ में नंगी तलवार लिए और सेना सजाए चल दिए। और जब सेना सजाए चल दिए बाबूजी तो चिता में अग्निदान दिया गया, लेकिन चिता के चारों तरफ लड़ाई हो रही है। और जब लड़ाई हो रही है तो कवि को संकेत करना पड़ा अलहद। संहार हुआ तो उदल और आला झंखत हुवन मनवे में सोचत का है मौका पाई चौड़ा आया उदल के पजरवा बाबू वाले बाबूजी आल्हा को उदल ने कहा कि भैया आप महोबा चले जाइए, हो सकता है सैनिक कम पड़े तो आप जाइए और कुछ इंतजाम कीजिए। ये मेरी विनती है आपसे, अपने छोटे भाई का विनती स्वीकार कर लीजिए, भैया आप जाइए। आल्हा इतनी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि मेरे भाई तू मुझसे अरदास मत कर, तू मुझे आदेश दे, क्योंकि तू मेरा भाई ही नहीं, तेरे दम पर तो मैंने लाखों युद्ध जीता है। अगर उदल नहीं तो आल्हा नहीं, आल्हा नहीं तो उदल भी नहीं। आल्हा तो पहुंच गए महोबे में बाबूजी, और इधर उदल लाखन को चौड़ा ने पीठ पर वार कर दिया बाबूजी, मुंह घुमा करके दूसरी तरफ वीरों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और तब तक पीछे से पहुंचा पृथ्वीराज और चौड़ा उदल के गर्दन पर वार कर दिया। और जब उदल के गर्दन पर वार कर दिया बाबूजी तो उदल का मरण जब आल्हा सुनते हैं तो बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। आल्हा का बाबूजी मानो हथवे टूट गई, पौरुखवे घट गई, उदल का मरण सुन करके मानो आल्हा बलहीन हो गए। और जब बलहीन हो गए तो सोचने लगे कि हमारे महोबे के सारे वीर मारे गए, जवान मारे गए, अब मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। वही बाबूजी वहां से जंगल की ओर चल दिए। और जब जंगल की ओर चल दिए तो ये बताया जाता है, आल्हा खंड से प्रमाण मिलता है कि सिद्ध पुरुष गुरु गोरखनाथ जी के मठ में जाकर के उनका शिष्य बन करके जीवन बिताने लगे, साधु का भेष धारण कर लिए, बलहीन हो गए, पौरुखहीन हो गए, अब न राज गद्दी रही और न वो तलवार का मार करने की शक्ति रही और न इस दुनिया में उदल रहे, न लाखन रहे, न डेबा रहे, न सैयद रहे बाबूजी। जब आल्हा जोगी हो गए, सिद्ध पुरुष गुरु गोरखनाथ का शिष्य हो गए तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है से जरिया
दुख तब सोनवा श्राप सुनाए। कमीना बाप ब्राह्म कमीना बाप ब्राह्मण यो बेटी से किया लड़ाई। अरे तुरकन के आगे तुहरी हुरमत उतारी लगाई चीता पर से जरिया वो फुलवा सुंदरी। अपने पिता के आंखों के सामने बेला अपने पति के साथ में सती हो गई और फुलवा भी उदल की पत्नी भी सती हो गई बाबूजी। लेकिन आल्हा की पत्नी सोनवा रो रो करके श्राप देती है। सोनवा रो रो करके श्राप देती है कि अय पृथ्वीराज चौहान तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारी कायरता पर धिक्कार है, मेरा परिवार तिनका तिनका बिखर गया तुम्हारे कारण, तुम्हारी वीरता के कारण, तुम्हारी कायरता के कारण। तुम वीर तो हो लेकिन कायर हो। एक वीर पुरुष का यह धर्म नहीं होता है कि दूसरे वीर पुरुष के पीठ पर वार करे, बल्कि सच्चा बहादुर तो वो होता है जब दूसरे बहादुर के सीने पर वार करे। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुर्कन के आगे तोर हुरमत उतरी, आने वाले समय में तुम्हारे परिवार के और तुम्हारे खानदान के और स्वयं तुम्हारी भी इज्जत तुर्कों के सामने उतर जाएगी, मुसलमानों के सामने उतर जाएगी और तुम देखते के देखते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे तुमने पीठ पर वार किया है वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। कभी को संकेत करना पड़ा दूसरी लाइन में, सोनवा श्राप सत्य हुआ और है गौरी किया चढ़ाई। अरे बंदी बना के पृथ्वी राजा को ले जाए, अरे गोरी पृथ्वी चंद्र मरण फूटल पुतारी, अरे भैला पृथ्वी राजा का मरण फूटल पुतारी। लगाई चिता पर से आओ फुलवा सुंदर, वीर आल्हा की पत्नी सोनवा का श्राप सत्य हुआ बाबूजी। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी ने चढ़ाई किया और जब चढ़ाई किया बाबूजी तो 16 बार हारा, 17वें में फंसा करके पृथ्वीराज को ले गए। जयचंद की चुगली से, जयचंद की राजनीति से पृथ्वीराज को ले गए और पृथ्वीराज की आंख फोड़वा दिए, उसमें मिर्चा झोंकवा दिए बाबूजी। और उस समय सुल्तान ने कहा बड़ी बड़ी यातनाएं बड़ी बड़ी पीड़ा दिया, बड़ी बड़ी यातनाएं बड़ी बड़ी पीड़ा दिया। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि चंद्र बरदाई रहते थे। पृथ्वीराज चौहान का जिंदगी मानो कवि चंद्र बरदाई की कविता पर टिकी हुई थी। लेकिन जब अत्याचार हद से ज्यादा हो जाता है बाबूजी तब कोई किसी को कैसे बचाए। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसमें कंकड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप फूट जाता है और उस प्राणी का अंत हो जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है। और यही नतीजा पृथ्वीराज चौहान को भोगना पड़ा। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे, स
शंकर शोभनाथ विजय जी सुंदर गीत सवार। अरे राम भौजाई के न जाए पनिया, अरे भौजाई के न जाए पनिया।